हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसमें हम इसके पार्ट मैथमेटिक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज मैथमेटिक्स का क्लास नंबर थर्ड है ये जो क्वेश्चन पेपर है आर ग्रुप डी ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर का सिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और हमारा टारगेट क्या है रेलवे पार आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ एक इक्वेशन दी गई है तो इसको आपको सॉल्व करना है तो आप वी बोडमोस इसमें लगाइए वी बोडमोस में आप लगाइए यानी कि पहले बर्निकुलर वार फिर ब्रैकेट उसके बाद ऑफ फिर आता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो इसमें आप लगाइए सबसे पहले डिवाइड होगा ये तो पॉइंट टू एट फोर डिवाइडेड बाय पॉइंट एट पॉइंट फोर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर एक तो आएगा और यहाँ पर आएगा तीन तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो इजीली आप इस, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट सेवन वन आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई बाय पॉइंट एट हो जाएगा उसके बाद आप करिएगा तो क्या आ जाएगा पॉइंट फाइव सिक्स एट ये मल्टीप्लाई करके आप ये पॉइंट फाइव सिक्स एट आ जाएगा और उसके बाद पॉइंट थ्री सिक्स को आप ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए पॉइंट ज़ीरो थ्री एट तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट एट नाइन यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कन्वर्ट द फ्रैक्शन फोर बाई नाइन डिवाइडेड बाई टू सिंपल फॉर्म यानी कि दिया हुआ है चार बटे नौ आपको डिवाइड करना है ट्वेल्व से अपने सरल रूम में कन्वर्ट करें यानी कि चार बटे नौ इंटू ट्वेल्व इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फोर थ्री या ट्वेल्व और वन बाय ट्वेंटी सेवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से इक्वेशन दिया गया है तो सबसे पहले वी बॉड आपको लगाना है इससे क्वेश्चन जरूर बनता है तो इसको आप सॉल्व कीजिए सिक्सटीन माइनस एट तो ये आ जाएगा एट फिर आप डिवाइड करना है डिवाइड करना है और फिर से डिवाइड करना है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आप ओवरऑल लिख लीजिए इसको फोर्टी माइनस फिर छोटा ब्रैकेट है नाइन्टी डिवाइडेड बाई फाइव जाएगा एट और एट डिवाइडेड बाय टू और इसका डिवाइड होगा तो थ्री आ जाएगी पूरी तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा फाइव वन जा जा चला जाएगा थ्री सिक्स और सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर यानी कि फोर्टी माइनस ट्वेंटी फोर और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अर्पण तनबी एंड ऋषभ शेयर अ केक अर्पण हैड वन फोर्थ ऑफ इट ऋषभ हैड थ्री फोर्थ ऑफ इट एंड तनबी हैड द रेस्ट व्हाट वाज तनबी शेयर ऑफ द केक यानी कि अर्पण तनबी और ऋषभ ने एक केक साझा किया है अर्पण के पास क्या है वन अपॉन है फिर बोला है ऋषभ ऋषभ के पास है थ्री बाई फोर्थ और जो तो बचा हुआ है शेष वो है तनबी के पास तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए यानी कि ये हो जाएगा टू बाई ट्वेल्व और इसका शेष यानी कि टू बाई ट्वेल्व यानी कि इनके पास तनबी के पास क्या हो जाएगा वन बाई सिक्स पार्ट इसको आप इस तरीके से देख लीजिए ट्वेल्व एनसीएम आ जाएगा इसका और वन प्लस नाइन यानि कि ये आ जाएगा टेन बाई ट्वेल्व और जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा टू बाई टेल्व इसका शेष बचेगा टू बाई ट्वेल्व तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा वन बाई सिक्स जो है तन्वी के पास बचेगा यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर जो भी लैंग्वेज दी गई है क्वेश्चन की उसके साथ आप चलते रहिए उसने बोला है कि अर्पण के पास एक बटे बारह भाग है ऋषभ के पास तीन बटे चार भाग है और इन दोनों का के बाद जो भी शेष बचता है वो है तन्वी के पास इन दोनों का टोटल भाग दस बटे बारह हो जाएगा अब शेष कितना बचता है तो टोटल वन पार्ट होगा तो उसका शेष जो है दो बटे बारह भाग शेष बचेगा वन बन बनाने के लिए तो इस तरीके से इसको कैंसिल आउट कीजिए तो वन बाई सिक्स जो है तन्वी के पास बचा रहेगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इफ द नंबर ऑफ एक्स ओ फाइव एट फोर इज डिविजिबल बाय एलेवन वाट इज फेस वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि एक मूल संख्या दी गई है ये मूल संख्या टोटल मूल संख्या है इसको 11 से विभाज करना है तो x का अंकित मूल्य क्या है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए यानी कि जो भी 11 से विभाज होगा उसका उसके लिए रूल क्या होगा x 4 5 8 4 ये एक संख्या है अब 11 से डिवाइड होगी 11 से विभाज्य कोई भी संख्या होगी तो उसकी जो डिजिट होंगी और विषम डिजिट होंगी यानी कि सम प्लेसेस पर जो भी डिजिट होंगी उनका सम और जो विषम पर होंगी उसका सम इनका अंतर जो होगा यानी कि ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस या फिर इवन प्लेसेस का सम माइनस ऑड प्लेसेस का सम तो ये हो जाएगा फाइव एट और फोर ट्वेल्व अब इसमें से इसको आप घटाइए तो ये हो जाएगा फाइव फोर नाइन और प्लस एक्स नाइन प्लस एक्स अब इन दोनों का जो अंतर है इवन प्लेसेस और आउट प्लेसेस का अंतर है ये तो या तो जीरो होना चाहिए या फिर ग्यारह की मल्टीपल में होना चाहिए ग्यारह के मल्टीपल में वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है ग्यारह के मल्टीपल में तो आप मिनिमम वैल्यू आप देखें तो इसमें क्या ऐड करें कि ये जीरो आ जाए तो थ्री आप ऐड कर दीजिए थ्री ऐड कर दीजिए आप तो नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व हो जाएगा और ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व हो जाएगा ज़ीरो तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ट्रिकी क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है आप रूल्स आप डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए कैसे क्या डिविजिबिलिटी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है एक फिर से इक्वेशन दी गई है तो आपको इक्वेशन कुछ भी नहीं करना है आपको रूल पता होना चाहिए किस तरीके से आप इस इक्वेशन शौ, सॉल्व करेंगे वी बॉडमोस आप इसमें लगाइए और इजीली आप सॉल्व कीजिए तो इसमें वर्निकुलर वार तो है नहीं सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट सबसे होगा सॉल्व सब होगी तो नाइन सिक्स कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना तो ये प्लस में फिफ्टी फोर आ जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा जीरो और यहाँ पर आ जाएगा सेवेंटी नाइन यानी कि सिक्सटी थ्री माइनस सेवेंटी नाइन आ जाएगा और फिर सेवन और नाइन सिक्सटीन आ जाएगा माइनस का सिक्सटीन और ये हो जाएगा प्लस का सिक्सटीन यहाँ पर आकर प्लस का सिक्सटीन यानी कि थर्टी फाइव प्लस सिक्सटीन ये हो जाएगा सिक्स और वन अलेवन फोर फाइव फिफ्टी वन और ये ऐड हो जाएगा कितना सेवनटी फाइव यानि कि सिक्स और ट्वेल्व वन ट्वेंटी सिक्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन कुछ रॉन्ग होंगे या फिर ये इक्वेशन कुछ गलत हो सकती है हम यहाँ पर एक काम करते हैं इसको इस तरीके से लिख कर देखते हैं थर्टी फाइव माइनस ये जो मंजिला ब्रैकेट है सिक्सटी थ्री माइनस फिर छोटा ब्रैकेट सेवेंटी नाइन माइनस फिफ्टी फोर ये हो सकता है डिवाइड हो प्लस साइन की जगह डिवाइड हो नाइन इंटू सिक्स ये एक बार हम इससे सॉल्व करके देख लेते हैं तो ये हो जाएगा सेवेंटी नाइन माइनस फिफ्टी फोर सबसे पहले होगा डिवाइड फिर होगा मल्टीप्लाई तो नाइन सिक्सा फिफ्टी फोर और ये हो जाएगा थर्टी सिक्स यानी कि 79 नाइन माइनस थर्टी सिक्स आप कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा सेवेंटी नाइन माइनस थर्टी सिक्स तो ये आ जाएगा 43 थ्री थ्री को इसमें से माइनस कर दीजिए सिक्सटी थ्री में से तो ट्वेंटी आ जाएगा फिर से ट्वेंटी माइनस कर दीजिए आप थर्टी फाइव में से तो ये आ जाएगा फिफ्टीन और फिफ्टीन फिर ये वाला भी हम डिवाइड ले लेते ले ले हैं तो 75 फाइव डिवाइडेड बाई फिफ़्टीन तो तो ये ये आ जाएगा कितना आंसर इक्वेशन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इस इक्वेशन को आप ठीक कर लीजिएगा यहां पर भी डिवाइड होगा ये भी डिवाइड होगा और यहां पर भी डिवाइड होगा यानी कि ये हो सकता है कुछ मिस प्रिंट हो गया हो तो उसके चलते ये डिवाइड को इसने प्लस कर दिया हो मिस प्रिंट के चक्कर में तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है थ्री माइनस पॉइंट टू थ्री माइनस पॉइंट टू ये ब्रैकेट में दिया गया है और डिवाइडेड बाय पॉइंट वन इंट थ्री प्लस पॉइंट टू इस तरीके से इक्वेशन दी गई है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लीजिए ये आ जाएगा टू पॉइंट एट और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट वन इंटू थ्री पॉइंट टू यानी कि ये आ जाएगा टू पॉइंट एट डिवाइडेड बाई पॉइंट थ्री टू तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो एट पॉइंट सिक्स फाइव ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन

प्रंजय सिक्योर्ड टू सेवेंटी टू मार्क्स दैट वॉज ऑल्सो फोर मार्क्स हाउ मैनी टेस्ट आउट ऑफ यानी कि एक परीक्षण में प्रंजय ने दो सौ बहत्तर अंक प्राप्त किया है जो चौंसठ परसेंट अंक के करने के बराबर था यानी कि जो सिक्सटी फोर परसेंट जो मार्क्स हैं वो हैं टू सेवेंटी टू के बराबर परीक्षा कितने अंकों की थी आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है यानी कि एक परसेंट आप निकालेंगे तो 272 सेवेंटी टू अपॉन सिक्सटी हो जाएगा और यहाँ पर 100 परसेंट की वैल्यू आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 तो यहाँ से आप काट दीजिए इसको तो ये आ जाएगा कितना 425 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लाइन सेगमेंट ऑफ अ लाइन टू मीटर वॉज मेजर्ड एज टू मीटर बाई मिस्टेक फाइंड द एरर परसेंट यानी कि लंबाई जो है दो दशमलव जीरो पांच मीटर की एक रेखाखंड गलती से दो मीटर के रूप में मापा गया था त्रुटि प्रतिशत का पता लगाएं। त्रुटि क्या हो जाएगी टू पॉइंट जीरो फाइव माइनस टू मीटर था ये त्रुटि हो गई और इसमें पता लगाना है जो ओरिजिनल थी टू पॉइंट जीरो फाइव यानी कि फाइव ये कितना आ जाएगा पॉइंट जीरो फाइव आ जाएगा और अपॉन टू पॉइंट जीरो फाइव

यानी कि छह हजार रुपए प्रति वर्ष बीस परसेंट की दर से जटिल छह माह में निवेश किया जाता है तो अट्ठारह महीने के बाद राशि होगी तो अमाउंट आप कैलकुलेट कर लिए गया है मूलधन है पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड और ये हो जाएगा टाइम टी अब अमाउंट कितना है सिक्स थाउजेंड इन्वेस्ट कर रहा है वन प्लस आर कितना है देखिए टू परसेंट पर एनम की दर से दिया गया है टू परसेंट पर एनम और हाफ ईयरली में दिया गया है तो ये रेट जो है आधी हो जाएगी यानी कि टेन परसेंट हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा टाइम एटीन मंथ दिया गया है अठारह महीने दिया गया है तो यानी कि छः छः और छः इस तरीके से तीन साल इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेट आधी हो जाएगी और जो मंथ है टाइम है वो डबल हो जाएगा उसका तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए सिक्स थाउजेंड ये आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना अलेवन बाई टेन और इसकी पावर थ्री तो इसको आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं ये आ जाएगा सेवन नाइन एट सिक्स यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिस कैन पेंट अवॉल अलोन इन सेवन पॉइंट टू डेज वाइल मधु वुड नीड टेन पॉइंट एट डेज टू द तो सेम जॉब इफ दे वर्क टूगेदर हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू पेंट ऑफ़ द बॉल बोला गया है जो ब्रिज है कोई है, वो सात दशमलव दो दिनों में अकेले एक दीवार को पेंट करता है यानी कि इसको हम इजी कैलकुलेट कर सकते हैं ये आ जाएगा कितना सेवेंटी टू बाई टेन ठीक है अब सेकंड दिया गया है जबकि मधु मधु कितने टेन पॉइंट एट डेज में कैलकुलेट एक आवश्यकता होती है उसको पूरा करने में यानी कि एक सौ आठ बटे दस अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए अब बोला गया है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो दीवार के पांच छठे हिस्से को मतलब कि फाइव बाय सिक्स हिस्से को पेंट करने में कितना दिन लगेगा तो इसका एलसीएम आप ले लीजिए आ जाएगा कितना आप इजीली इसको अलग अलग कर लीजिए ट्वेल्व थ्री थ्री और ये टू इसका एलसीएम आ जाएगा यानी कि बारह छः के बहत्तर यानी कि तीन और दस यानी कि तीस दिन इसको लगते हैं इफिशियंसी से तीस दिन की इफिशियंसी से काम करता है और ये एक सौ आठ बारह नंबर एक सौ आठ यानी कि दो और इंटू टेन ये टेन है इंटू टेन यानी कि ट्वेंटी की इफिशियंसी से ये वर्क करता है अब बोला गया है कि ये जो है टोटल वर्क जो है ट्वेल्व इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टू ये इसका फिफ्थ वाई सिक्स काम कितने दिनों में ये करेंगे तो टोटल ये दिनों मिलके दोनों करेंगे तो ये फिफ्टी की इफिशियंसी से करेंगे यानी कि ये कितना हो जाएगा फिफ्टी से करेंगे तो ये आ जाएगा अब यहां से आप सॉल्व इसको कर लीजिए ये आ जाएगा टेन टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि एटीन अपॉन फाइव यानी कि थ्री पॉइंट सिक्स दिन लगेंगे इन दोनों को पांच बटे छह हिस्सा एक साथ कंप्लीट करने में यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ

जो प्रशिक्षु हैं यानी कि ट्रेनी हैं उनके बराबर काम करते हैं 40 जो ट्रेनी हैं उनके जितना काम करते हैं 24 एक्सपर्ट जो हैं तो यहाँ से आप जो एक्सपर्ट हैं और ट्रेनी हैं इनका अनुपात आप कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि 5/3 ये आ जाएगा फिर बोला गया है काम का एक टुकड़ा नौ विशेषज्ञों यानी कि नौ जो हैं विशेषज्ञों यानी कि स्पर्ट और पश इस प्रक्षिशियों यानी कि 25 ट्रेनी के द्वारा किया जाता है एक हिस्सा काम का अब बोला गया है कि 12 विशेषज्ञों, 12 एक्सपर्ट के साथ कितने नंबर ऑफ जो ट्रेनी है वो लगेंगे एक समान अवधि में कार्य पूरा करने की आवश्यकता इसको होगी यानी कि आपको नंबर ऑफ ट्रेनीस इसमें कैलकुलेट करना है अब इसको आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एक तो आप यहां से 3 जो एक्सपर्ट हैं वो फाइव ट्रेनी के इक्वल हैं यानी कि यहाँ पर आप ट्वेल्व दिया गया है तो यहाँ पर भी आप ट्वेल्व बना लीजिए यानी कि नाइन तो एक्सपर्ट पहले से हैं और फाइव ट्रेनीज़ की जो वैल्यू है वो थ्री है यानी कि यहाँ से फाइव ट्रेनीस की वैल्यू आप रख लीजिए थ्री एक्सपर्ट के बराबर है और बचेंगे कितने बीस ट्रेनी बचेंगे तो ये आ जाएगी एक क्वेश्चन ट्वेल्व एक्सपर्ट जो हैं वो बीस ट्रेनी मिलकर एक काम को करेंगे यानी कि ये जो इक्वेशन है इससे कंपेयर कर दीजिए ट्वेल्थ से ट्वेल्व कंपेयर हो जाएगा और जो ट्रेनिंग है वो लगेंगे यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अच्छा क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ग्रुप डी में तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस जरूर जारी रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट है विशन साइकिल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड इफ ही साइकिल थ्री किलोमीटर स्लोअर एवरी हावर he would have taken two more hours to reach his destination what is the speed in kilometer per hour at which Vishan actually cycled yani ki Vishan jo hai kya karta hai 120 jo kilometer hai ye distance cover karta hai Vishan। यदि वह हर घंटे 3 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में दो घंटे लगेंगे अब बोला गया है किलोमीटर पर घंटा में गति क्या है जिस पर विशन वास्तव में साइकिल चला रहा है तो देखिए अब विशन यहाँ से यदि जाता है और दो घंटे उसको लगते हैं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्पीड इन टू टाइम यहाँ से तो आप एक इक्वेशन बना सकते हैं वन ट्वेंटी किलोमीटर का डिस्टेंस है स्पीड कितना होगा और एस वन मान लीजिए और टी वन टाइम लगेगा फिर बोल रहा है वो कि वन ट्वेंटी डिस्टेंस ही कवर करता है स्पीड को वो तीन किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता है यानी कि एस वन माइनस थ्री हो जाएगा और टाइम उसको दो घंटे ज्यादा लगता है यानी कि टी वन प्लस टू हो जाएगा तो दो इक्वेशन है दो वेरिएबल हैं तो यहाँ से आप इजीली कैस कैलकुलेट कर सकते हैं तो एस जो टी की वैल्यू यहाँ से आप एक इक्वेशन बना लीजिए टी के फॉर्म में तो टी की वैल्यू आ जाएगी एट एट आ जाएगी यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अब वहीं हम बात करें ये तो टी की वैल्यू आई टाइम जो है एट आया है यानी कि यहाँ से स्पीड आप निकाल सकते हैं यह आ जाएगा कितना डिस्टेंस है वन ट्वेंटी और टाइम कितना लग रहा है एट तो यहाँ से आप डिस्टेंस लग निकाल सकते हैं यह आ जाएगा फिफ्टीन किलोमीटर पर हावर तो इस इक्वेशन को आप कैलकुलेट कर दिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी ये सेकंड हो जाएगी दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी फिफ्टीन किलोमीटर पर हवर की गति से वो चल रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी टू थाउजेंड एटीन इज अ थर्स डे ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि उनतीस नवंबर दो हजार अठारह को गुरुवार था उनतीस नवंबर दो हजार इक्कीस को कौन सा दिन होगा तो जो टू थाउजेंड एटीन है उसके बाद टू थाउजेंड नाइनटीन यानी कि नॉन लीप ईयर आएगा यानी कि वन ऑट डे रहेगा दो हजार बीस लीप ईयर रहेगा टू ऑट तो डेज और दो हजार इक्कीस नवंबर तक जाएंगे यानी कि कंप्लीट हो रहा है वो टू से ट्वेंटी तक ही जाना है यानी कि वन नॉन लिपियर वन ऑट डे यानी कि फोर टोटल ऑट डेज रहेंगे यानी कि थर्सडे जो है थर्सडे से आप कैलकुलेट करजिए फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे यानी कि फोर इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मंडे यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी कि उस दिन सोमवार होगा उनतीस नवंबर दो हजार इक्कीस को सोमवार रहेगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एस इज यंगर देन आर बाय सेवन इयर्स इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ सेवन रेस नाइन हाउ ओल्ड इज एस यानी कि एस और आर जो हैं इनका अनुपात दिया गया है ये है सात रेशो नौ में वो बोल रहा है एस और आर जो है सात वर्ष एस जो है आर से सात वर्ष छोटा है यानी कि जो दो रेशो इनमें डिफरेंस क्या है दो रेशो का डिफरेंस है वो कित इसके बराबर है सात साल के बराबर है सात ईयर्स के बराबर है यानी कि एक के जो रेशो होगा वो सात बटे दो ईयर्स के बराबर होगा अब बोला गया है एस कितनी पुरानी है यानी कि एस का एज पूछा गया है यानी कि एस कितना रेशो है सात रेशो है यानी कि सेवन इंटू सेवन बाई टू ये आ जाएगा फोर्टी नाइन बाई टू और ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ईयर्स का है एस यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर

ए पाइप मान लीजिए आप ये सात बटे चार घंटे में कोई सिस्टम दिया गया है गड्ढा है उसको फिल करता है सात बटे चार घंटे में और वही बी पाइप दिया गया है वो इक्कीस बटे आठ घंटे में उसको क्या करता है खाली करता है यानी कि ये नेगेटिव वर्क हो गया यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्क हो गया अब इसका आप एल्शियम ले लीजिए तो ये आ जाएगा कितना एल्शियम ट्वेंटी वन इसका एल्शियम आ जाएगा सात या इक्कीस यानी कि तीन और चार से मल्टीप्लाई होगा तो बारह की इफिशियंसी से भर रहा है और बी क्या कर रहा है एक बार जाएगा और आठ से मल्टीप्लाई होगा यानी कि आठ की इफिशियंसी से इसको खाली कर रहा है यानी कि नेगेटिव वर्क है ये पॉजिटिव वर्क है अब इसकी टोटल इफिशियंसी इन दोनों की आप देख लीजिए तो ये आ जाएगी प्लस फोर ये टोटल इफिशियंसी आ जाएगी अब बोला गया है जो ट्वेंटी वन टोटल वर्क है उसका दो तिहाई यानी कि टू बाई थर्ड यानी कि तीस इक्कीस यानी कि सात टोटल वर्क बचता है अब उसको भरने में कितना टाइम लगेगा यानी कि इसको फोर से डिवाइड कर दीजिए यानी कि थ्री हावर और ये आ जाएगा टू टाइम्स यानी कि थर्टी मिनट यानी कि थ्री आवर्स इसको लगेगा और थर्टी मिनट और रहेगा यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द मेजरमेंट ऑफ अ ब्रिक ट्वेंटी सेंटीमीटर वाई 12 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर हाउ मेनी सच ब्रिक्स विल रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बॉल 12.16.8 मीटर हाइट 2.5 मीटर वाइट एंड 12 सेंटीमीटर थिक यानी कि एक ईंट जो है उसकी माप 8 सेंटीमीटर री आप इसकी इमेज देख लीजिए 8 सेंटीमीटर होगी इसकी 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और क्या रहेगी बीस सेंटीमीटर ये इसकी ब्रिक की एक लेंथ दी गई है इसकी एक मेज़रमेंट दिया गया है अब आपको ईंट तोड़कर दीवार बनाना है सोलह दशमलव आठ मीटर ऊंचाई है दो दशमलव पाँच मीटर चौड़ा है और बारह सेंटीमीटर मोटी के निर्माण के लिए आवश्यकता कितनी ईंटों की आपको पड़ेगी तो इसकी जो मेज़रमेंट हम करेंगे तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए यानी कि सिक्सटीन है तो सोलह ये आ जाएगा सेंटीमीटर में फिर आ जाएगा 2.5 यानी कि 250 सेंटीमीटर और थर्ड आ जाएगा 12 सेंटीमीटर पहले से ही गिवन है अब एक सिंगल टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो एट इसका डायमेंशन कितना है एट अपॉन ट्वेल्व एट क्रॉस ट्वेल्व क्रॉस ट्वेंटी यानी कि ट्वेल्व से ट्वेल्व यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा जीरो से जीरो ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से आप देख लीजिए सिक्सटीन हो गया तो सिक्सटीन बन जा सिक्सटीन जीरो सिक्सटीन फाइव सा एटीन यानी कि वन जीरो फाइव यह आ जाएगा ट्वेंटी अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए इन टू ट्वेंटी फाइव तो ये आ जाएगा यह सब कैंसिल आउट हो चुका है तो यह आ जाएगा ट्वेंटी फाइव यानी कि टू सिक्स टू सिक्स टू फाइव यानी कि फर्स्ट ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर द द सम ऑफ लेंथ ऑफ द ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू वन नाइन्थ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर

बारह किनारे होंगे उसके एक दो तीन चार चार पीछे आठ नौ दस और ग्यारह और बारह ये तरीके से यानी कि ट्वेल्व इसको मान लीजिए ट्वेल्व सी इक्व टू क्या हो जाएगा वन बाई एट यानी कि एट बटे आठवें भाग के बराबर जो स्क्वायर है यानी कि जो स्क्वायर है कोई उसके चार भुजाएं होंगे वो परिधि के यानी कि फोर एस के बराबर हो जाएगा यानी कि इसको आप यहाँ से एक रिलेशन बन सकता है फिर बोला गया है एक आयतन जो है यदि घन का आयतन यानी कि सी क्यू ये किसके बराबर है संख्यात्मक मान के बराबर है किसके बर के क्षेत्रफल यानी कि एस स्क्वायर के बराबर है ये तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए सी वाई एस का रिलेशन आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एस अपॉन सी का होल स्क्वायर ठीक है यहाँ से आप कैलकुलेट इसको कर लीजिए फोर टू जट और ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर और एस वाई सी अब इसका स्क्वायर आप कर दीजिए यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये जो इसकी वैल्यू जो है सी यानी कि ट्वेंटी फोर का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा सी के बराबर यानी कि सी जो हो जाएगा तो क्यूब घन के किनारे की लंबाई जो है ये कितनी आ जाएगी फाइव सेवेंटी सिक्स यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन यानी कि दिए गए समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त आपको विकल्प बनाना है कॉट थर्टी थर्टी यानी कि रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस प्लस रूट टू और ये हो जाएगा यानी कि तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी ए प्लस बी के फॉर्म में और वन अपॉन ए और इसको मान सकते हैं आप इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा कितना एलसीएम आप ले लीजिए इसका इसको सॉल्व कर लीजिए रूट सिक्स ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा वन प्लस रूट टू ठीक है फिर ये सेम इस, ऐसे ही हो जाएगा वन प्लस रूट टू अपॉन रूट सिक्स इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए रूट सिक्स वन प्लस रूट टू रूट सिक्स रूट सिक्स सिक्स हो जाएगा और ये स्क्वार बन जाएगा इसका तो वन प्लस टू प्लस टू रूट टू ये आ जाएगा तो इसको सॉल्व आउट कीजिए तो ये आ जाएगा एट और नाइन नाइन प्लस टू रूट टू अपॉन आ जाएगा रूट सिक्स वन प्लस रूट टू ये इक्वेशन बन जाएगी फिर यहाँ से आप इसका कीजिए रूट सिक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा नाइन प्लस टू रूट सिक्स टू रूट टू और मल्टीप्लाई रूट सिक्स और ये आ जाएगा कितना सिक्स सिक्स वन प्लस रूट टू अब इसका भी आप इनिशियलाइजेशन uh, कर लीजिए वन माइनस रूट टू और वन प्लस

तो ये बन जाएगी क्या फाइनली नाइन रूट सिक्स माइनस सेवन रूट ट्वेल्व माइनस फाइव रूट फोर रूट सिक्स और इसको हम यदि सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगी बचेगा यहां से माइनस सिक्स जो बच रहा था तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा फोर्टीन रूट थ्री माइनस फाइव रूट सिक्स अपॉन सिक्स यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर डाटा गिवन ब्लो फाइंड द एल्सियम ऑफ मोड मीडियन एंड मीन यानी कि नीचे दिए गए डेटा का मोड माध्य और मादी का आपको गिवन है इनका गिवन कैलकुलेट करना है और उसका एल्सियम आपको निकालना है तो आप इसको जमा लीजिए तो ये आ जाएगा सबसे पहले आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में आप इसको जमा लीजिए टू थ्री फोर कितनी बार है थ्री बार फोर है फिर सिक्स सेवन एट टेन और ट्वेल्व ये टोटल नंबर दिए गए हैं अब इसका मोड जो है मॉड जो निकालते हैं मैक्सिमम नंबर टाइम रिपीट जो हुआ है उसका मॉड हो जाएगा यानी कि मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर आ जाएगी वहीं मीन क्या हो जाएगा एवरेज आपको निकालना है तो टोटल कैलकुलेट कर दीजिए फाइव ट्वेल्व सिक्स यानी कि एटीन और फाइव ट्वेंटी थ्री और सेवन थर्टी फोर्टी फिफ्टी यहाँ से सिक्सटी यानी कि टोटल सिक्सटी और टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना है वन टू

अब जो 4, 6 और फाइव इन तीनों का आपको एल्शियम लेना है तो टू से डिवाइड कर दीजिए टू थ्री और फाइव यानी कि फाइव टू जन थर्टी और इन टू टू सिक्सटी सिक्सटी आ जाएगा इसका एल्शियम इन तीनों का तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटी यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर यही आपको कैलकुलेट करना था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इफ कॉट की पावर फोर थीटा प्लस कॉट तो है देन थीटा थीटा प्लस टू आपको कैलकुलेट करना है अब जो गिवन है उससे आप लेके चलिए या फिर यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा क्या वन अपॉन साइन फोर थीटा ठीक है प्लस वन अपॉन साइन थीटा ये आ जाएगा इसका इसको पहले एक काम कीजिए आप माइनस से कैलकुलेट करके दीजिए माइनस होगा आई थिंक यहां पर तो ये आ जाएगा साइन फोर थीटा एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साथ में क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर फिर से साइन स्क्वायर थीटा फोर की पावर को हमने डिवाइड कर दिया है तो ये आ जाएगा कितना कॉसिक स्क्वायर थीठा इंटू कॉट स्क्वायर थीठा कौशिक स्क्वायर थीठा जो है कौशिक स्क्वायर थीठा एक एक क्वेशन होती है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्व टू वन होता है यानी कि कौश स्क्वायर के टर्म को आप डिनोट कर सकते हैं यहाँ से वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में और ये कॉट स्क्वायर थीटा पहले से ही यहाँ पर के है और इसको कैलकुलेट कीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पॉपर फोर थीटा तो ये वैल्यू पहले से ही गिवन है यानी कि इसकी वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी टू पॉइंट टू ही सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ फाइव स्टूडेंट्स टेक टेस्ट अनादर स्टूडेंट अप द ग्रुप आफ्टर टेकिंग द टेस्ट लेटर विद हर मार्क्स इंक्लूडेड द एवरेज स्कोर टू द ग्रुप वेंट अप बाय अपू दिस स्टूडेंट हैज गॉट डेस्ट मार्क्स मोर देन द एवरेज मार्क्स विदाउट द विदाउट हर बींग इंक्लूडेड यानी कि पांच छात्रों के समूह ने परीक्षा ली एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो जाता है उसके अंकों में शामिल होने के साथ समूह का औसत स्कोर दो हो जाता है दो बढ़ जाता है यानी कि पांच थे तो पांच का औसत दो बढ़ेगा इन, टू टेन और खुद का भी दो रहेगा यानी कि प्लस टू यानी कि ट्वेल्व

एक तरफ की लंबाई क्या है गिवन है थर्टी सेंटीमीटर उसकी गिवन है और अपने क्षेत्रफल आठ सेंटीमीटर स्क्वायर है उसके विकर्ण की लंबाई का योग पूछा गया है यानी कि आप देखिए इसका चतुर्भुज है यानि कि इसका क्षेत्रफल जो होगा 840 ये बराबर होगा इसके बिकर्ण औ के गुणनफल के बराबर एक बटे दो के बराबर तो यहाँ से इसका कैलकुलेट आप कीजिए सिक्सटीन हंड्रेड एटीस टू डी वन इंटू डी टू इक्वेशन ये बनती है ठीक है फिर गिवन है इसका एक साइड दिया गया है थर्टी सेवन सेंटीमीटर यानी कि फोर जो साइड होंगी इसकी क्या हो जाएंगी फोर इन थर्टी सेवन का स्क्वायर ये हो जाएगा डी वन स्क्र प्लस डी टू स्क्ता है ठीक है ए स्क्वायर इक्व टू डी वन डी वन का स्क्वायर डी बन टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि ये फोर आ जाएगा यहाँ से एक इक्वेशन ये बन जाएगी यानी कि डी वन प्लस डी टू का होल स्क्वायर हम लगाए तो डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर प्लस टू डी वन डी टू तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यू आप रख दीजिए फोर इंटू थर्टी सेवन का स्क्वायर और ये वैल्यू भी आप रख सकते हैं तो टू इंटू सिक्सटीन एटी तो इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिए थर्टी सेवन का स्क्वायर इंटू फोर कर दीजिए तो ये आ जाएगा फोर फाइव सेवन सिक्स और प्लस ये आ जाएगा थ्री थ्री सिक्स जीरो यानी कि इसका रूट आप निकाल लीजिए एट एट थ्री सिक्स का तो ये आ जाएगा कितना 94 फोर यानी कि जो सम होगा विकर्णों की लंबाई का वो कितना होगा 94 सेंटीमीटर होगा यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एस ऑफ सिक्स एक्स वाई स्क्वायर जेड जेडा एट एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड स्क्वायर थर्ड है फोर एक्स क्यू बाई क्यू जेड स्क्र तो एस यानी कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिक्स एक्स बाई स्क्र जेड एट एक्स स्क्र बाई क्यू जेड स्क्र और थर्ड है ट्वेल्व एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू यानी कि इसमें से मिनिमम पावर आप चूज कर लीजिए एक्स की मिनिमम पावर वन है बाई की मिनिमम पावर टू है और जेड की मिनिमम पावर कितनी है वन है तो ये आएगा एस सी एफ में एक्स बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अब यहाँ से आप टू इंटू थ्री टू इंटू फोर और टू इंटू सिक्स यानी कि इसको लिख दीजिए थ्री इंटू टू और इसको लिख दीजिए टू इंटू टी टू तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 है इसमें तो टू एक्स बाई फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर तो ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप जरूर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू